कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले आइडियल एग्जामिनेशन के बारे में। और ये जो एग्जामिनेशन है ये अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है, ठीक है। और इसका जो एग्जामिनेशन मोड है वो ऑफलाइन बेसिस पे है। और इसका एग्जामिनेशन डेट, ठीक है, वो दे दिया गया है यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसका टाइम टेबल यानी कि पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको जल्दी ही एक टाइम टेबल मिल जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे इसका टाइम टेबल आएगा शेड्यूल सब्जेक्ट के साथ, मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। आपको करना क्या है, चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो जितने भी टीवाई के बच्चे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेस है जिसमें बी ए और बी कॉम है, ठीक है, उनके लिए ये एग्जामिनेशन डेट आ चुका हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे टीवाई बी ए जो सैम 5 है, ठीक है, इसमें फ्रेशर और रिपीटर दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। सेम उसी तरीके से एफ वाई बी ए सैम 6, ठीक है, ओनली रिपीटर बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो सैम 6 के रिपीटर बच्चे, सैम 5 के फ्रेशर और रिपीटर बच्चे, ठीक है, इनके जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल बता दूँ, सैम 5 के जो एग्जाम्स होंगे वो 16 जैन को होगा और सैम 6 रिपीटर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम 31 जैन में होगा। क्लियर। चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट बीकॉम पे। बीकॉम सैम 5 जो फ्रेशर रिपीटर बच्चे हैं उनके एग्जाम 16 जैन से होगा। सिमिलर जैसे एफ आई बी ए का था, एफ आई बीकॉम सैम 6 रिपीटर बच्चे हैं यहाँ पे उनका 31 जैन को होगा। क्लियर। ओके नेक्स्ट आते हैं बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस यानी कि पैफ वाले बच्चे, सैम 5 फ्रेशर बच्चे हैं, तो ठीक है रिपीटर नहीं है इसमें, सिर्फ फ्रेशर है। 16 जैन को इनके एग्जाम्स होंगे। चलिए तो ये बेसिकली इनके टाइम टेबल्स है, ठीक है। तो इसके जो पूरे सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल आएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मैं आपको बता दूंगा। और इसका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है एग्जामिनेशन टाइम टेबल विल बी डिक्लेयर वेरी सून ऑन द वेबसाइट, ठीक है। और वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले से दे दिया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको हॉल टिकट के बारे में बताया हुआ है कि हॉल टिकट है वो आपके लॉग इन आईडी से ही मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पे आप स्पेसिफाई डे भी दे दिया गया है, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आता था उसमें डे मेंशन नहीं होता था, अब यहाँ पे डे मेंशन कर दिया गया है। आप देख सकते हो 4 डेज बिफोर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन है उसके 4 दिन पहले आपको आपका हॉल टिकट मिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 दिन पहले भी नहीं मिल पाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप चेकआउट करते रहिए लॉग इन करके, ठीक है। कभी 4 दिन पहले आता है, कभी 3 दिन पहले आता है, लेकिन आ जाएगा आपको। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये बीकॉम है आइडियल के लिए और बीए है आइडियल के लिए, ठीक है। टीवाई का फ्रेशर रिपीटर दोनों है, 16 जैन से आपका चालू हो जाएगा। टाइम टेबल मैं एज सून एज आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।